हम साथ साथ है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। वैसे हमारी शादी को होके 2 साल हो गए और तकरीबन हम एक दूसरे को 9 साल से जानते हैं, लेकिन आज हम एक गेम खेलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। वैसे इस गेम का नाम है हस्बैंड एंड वाइफ टैग क्वेश्चंस। तो हम एक दूसरे को कुछ सवाल पूछेंगे एक दूसरे के बारे में और देखते कौन किसके बारे में कितना जानता है। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहसिन रेखी और ये है मेरी मोहतरमा रौनिता शर्मा रेखी। अगर ये आपका पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गो अहेड और ये गेम स्टार्ट करते ताकि पता चले कौन है असली विनर। लेट्स गो गाइस। तो पहला सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, गेम स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा इजी सवाल पूछूंगा। हमारी शादी का डेट क्या है? मोहसिन बकवास मत करो। अच्छा ये तुम्हें मालूम है, चलो छोड़ छोड़ो, ये क्या कैंसल कैंसल कैंसल। अगला सवाल, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी मस्ती कर रहा था। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है तो थोड़ा इजी पूछूंगा, आगे आगे और डिफिकल्ट होने वाला है, तो लेट्स सी हाउ गुड आर यू एट दिस। ऐसी कौन सी चीज है जो मैं रोज खा सकता हूँ, भले ही वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो? बिरयानी? नहीं, तुम्हें ये नहीं पता कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं जब चाहे खा सकता हूँ? तुम मुझे ब्रेकफास्ट में दो तो भी खाऊंगा, लंच में दो तो भी खाऊंगा, डिनर में दो तो भी खाऊंगा। वो एक चीज तुम्हें, इस पे मैंने स्टोरी भी सुनाई है, पनीर। माई गुडनेस, आर यू सीरियस? अरे बट यू ऑलवेज टेल मी योर फेवरेट फूड इज पनीर। नहीं। ओह माय गॉड, दिस इज सो डिफिकल्ट। चलो 10 सेकंड्स दे रहा हूं तुमको। हिंट। अभी हिंट दूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी हिंट दे ही देता हूँ। पहला सवाल है यार, उसमें नहीं, मोमोज कौन खा सकता है पूरा दिन? उसमें चीज होता है, चीज। यार चीज पिज्जा। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं पूरा दिन पिज्जा खा सकता हूँ, सुबह हो, दिन हो, रात हो, कुछ और भी हो। हमारे फर्स्ट डेट में भी तुमने पिज्जा ही ऑर्डर किया था। I hate pizza. I hate it. चलो ठीक है, अब तुम्हें मौका देता हूँ मुझसे एक सवाल पूछने का। पहला सवाल है, थोड़ा इजी रखना। It's a very easy question, but yet a difficult one. When is my birthday, Mohsin? मेरा बर्थडे कब आता है? तुम्हारा बर्थडे आने वाला है 28 जून को, जो बहुत ही इजी है। इजी नहीं, तुम हमेशा 26, कभी 30 जून, इतना भी इजी मत, इतना भी इजी मत पूछोगी। You always forget. नहीं, but now I'm sure because you knew we were doing this, तुमने ये सीख के पगला गई हो का? तुम्हारे बर्थडे में सबसे पहले मैं ही पूछता हूँ। मैं पूछती हूँ। अच्छा तुम ही पूछोगी? हाँ। When was the first day when we met? जब we met? मुझे इसका जवाब पता है। वैसे मुझे लगता है वी मेट इन द मंथ ऑफ जून, तुम्हारे बर्थडे के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड तुमने मुझे अपने बर्थडे पे भी इनवाइट किया था, पर मैं शायद आया नहीं था। जून इज राइट, बट तो फिर जून 15, 16, 17 के बीच में ही कुछ होगा मुझे तो लग रहा है। यू कांट से दैट, लाइक यू कांट टेल मी योर बर्थडे इज 15, 16, 17 है कि नहीं है? 15, 16, 17 है कि नहीं, पहले वो बताओ। है 17 तारीख। हाँ गाइस। चलो भैया अभी अगला सवाल हम पूछेंगे और देखते हैं कि कितना आता है। ये सब ड्रामा करता है कैमरा के लिए। ओहो। चलो अगला सवाल मेरी तरफ से है रौनिता के लिए। रौनिता फोन छोड़ दो क्योंकि ये सवाल फोन से ही रिलेटेड है। मेरा आखिरी मैसेज क्या है तुम्हारे फोन में? व्हाट इज द लास्ट टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज जो मैंने तुम्हें किया था? देखा, यही होता है जिस सवाल का जवाब नहीं होता है, क्या वाहियात सवाल है, क्या है ये? डोंट ओपन इट, डोंट मेक सी, ये गिव अप कर रही है। मैं गिव अप नहीं कर रही हूं। ये गिव अप कर रही है और हम मैसेज खोल रहे हैं। देखो मैसेज खोल रही है, टेक्स्ट मैसेज खोलो अपना, व्हाट्सएप खोलो। चलो कल रात को तुमने मेरा ये कोई वीडियो क्या वीडियो है बकवास? रौनिता कल सुबह में अपने नींद में जब मैं उठा तो नींद में सपने में अपने हंस रही थी और मैं इसका वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और वही मैंने इसे भेजा था और मैं खुद भूल गया हूँ कि मैंने उसे वो भेजा और उसको भी नहीं पता है कि वो लास्ट मैसेज था जो मैंने इसे भेजा है। चलो तुम हार गए हो, मैं 1 पॉइंट ऊपर हूँ। सो लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट सवाल तुम मुझे पूछ सकती हो, मैं भी तो देखूँ ऐसे तुम्हारे बारे में क्या है जो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा मोहसिन, अगर तुम इतना ही जानते हो तो ये बताओ कि हमारा पहला रोड ट्रिप कहाँ था? पहला रोड ट्रिप, मैंने 1 महीने पहले कहाँ रोड ट्रिप किया मुझे वही याद नहीं है,
बट सवाल डिफिकल्ट लग रहा है, कितने साल पुरानी बात है ये वैसे? आंसर दो, नहीं आता तो बोलो गिव अप। पहला रोड ट्रिप, तुम्हें पता भी है एक बार रोड ट्रिप पे गए थे, एक बार नहीं सिर्फ तुम और मैं थे काफी बार। अब मैं सब कुछ नहीं बता सकती, हाँ हम दोनों ही थे। तो मुझे लगता है नासिक सूला फेस्ट। हाँ क्या वो पहला ट्रिप था हमारा? रियली गाइस, मैं तो मतलब खत्म कर रहा हूँ इसके हर सवाल के जवाब को। By the way, Mohsin's favorite food keeps changing every time. Not जब, at all, no, not Mohsin, at all. जब मेरा ब्राइडल शार हुआ था, तुमने मेरी बहनों को बोला था कि तुम्हारा फेवरेट फूड है रान पुलाव और रान बिरयानी समथिंग। और मैंने उनको बोला नो, यू आर ऑलवेज चेंजिंग योर फेवरेट फूड। बट माई क्वेश्चन वॉज डिफरेंट। नो नो No, no, no. What no. you can eat and what you can whatever nonsense. अच्छा चलो ठीक है। Of course, you can only eat what you love the most. ठीक है ठीक है। It's my turn now. मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। अब मैं तुमसे पूछूंगा अगला सवाल, देखते तुम कैसे जवाब देती हो उसका। तो अगला सवाल ये है मेरी तरफ से कि मुझे किस चीज से डर लगता है, मुझे किस चीज का सबसे ज्यादा फियर है लाइफ में, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। अरे तुमसे नहीं डरता हूँ रे मैं, तुमसे नहीं डरता हूँ मैं, उसके अलावा हाइट से बिल्कुल ही नहीं। ऑफ कोर्स हाइट का राइड्स। मैंने दो लोगों के दिलों में खौफ बैठा दिया है ये आज तक, और तुमको नहीं पता मेरा सबसे बड़ा फियर क्या है लाइफ का? फ्लाइट। गुड जॉब। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस मैन अब मुझे भी डर लगता है। मुझे इतना डर लगता है फ्लाइट में कि ये मेरे साथ घूमने लग गए तो इसे भी डर बैठ गया, और अपने यूसुफ भाई नाम के एक दोस्त है तो यूसुफ भाई के दिल में भी डर बैठ गया। वो भी बैठते फ्लाइट में तो पहले दुआ पढ़ना शुरू कर लेते भाई। और यूसुफ हम दोनों अभी बहुत जल्दी फ्लाइट में जा भी रहे हैं, बट इस इंसान को अब हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में ना यही हुआ है मेरे साथ, रोज फ्लाइट पकड़ पकड़ के ना मेरे पसीने छूट गए। पर अब तुमने क्विट कर दिया, पर मुझे तो अभी भी ट्रैवल करना पड़ता है। हाँ तुम करो। इतना मतलब देयर वाज अ टाइम जब मैं आई हैव सीन द वर्स्ट टर्बुलेंस फ्लाइट में, एंड मैं इतनी काम रहती थी कि आई एम लाइक चलो यार इट्स जस्ट टर्बुलेंस। जब से मैं इस आदमी को मिली हूँ आई ऑलवेज गेट सो नर्वस टू फ्लाई नाउ, एंड ही इज सच अ बैड कंपेनियन टू ट्रैवल। प्लीज इसके साथ कभी ट्रैवल मत करना, ही इज अ वेरी बैड कंपेनियन। हो गए रेडी? यस। चलो तैयार हो जाओ तीसरे सवाल के लिए। तीसरा सवाल है ना ये? पता नहीं मौसम कितना सवाल है, क्या फर्क पड़ता है? आई एम नॉट रियली कीपिंग अकाउंट। एनीवे मौसम ये बताओ कि मेरा फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सा है? फेवरेट हिंदी फिल्म? हाँ। तुम्हारा कोई फेवरेट हिंदी फिल्म भी है क्या? पूरा दिन तो नेटफ्लिक्स देखती हूँ। नेटफ्लिक्स तो अभी आया है यार, इससे पहले तो हम हिंदी फिल्म, तुम्हें तो पता होना चाहिए जब नेटफ्लिक्स हमने पहली बार लिया था मैंने यही फिल्म सबसे पहले देखी थी। हम साथ साथ है। अरे यही बोल के तो इसने हरा दिया ना एकदम अपने आप को। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम प्राउड दैट यू नो मी सो मच। चलो ठीक है, आप लोगों को पता ही चल गया कि मैं इसको कितना जानता हूँ और ये मुझे कितना जानती है। हम साथ साथ है। बहुत हो गया। चलो अगले सवाल पे जाते हैं गाइस, अब मेरी बारी है इसको अगला सवाल पूछने की। अगला सवाल ये है कि ऐसी कौन सी जगह है जो मैं नेक्स्ट ट्रैवल करना चाहूंगा, जो मेरी लाइफ की तमन्ना है कि मैं एक बार तो ट्रैवल करना ही चाहता हूँ। I know it, Mohsin. Can you pass me your cup, please? गलत जवाब, भैया। ई पर तो लंदन लिखा है। I don't want to. मुझे that cup because तुम्हें लंदन जाना था और मुझे लंदन तो जाना ही है। तुम्हारे लिए लंदन वाला cup. लंदन तो जाना ही है, लेकिन ऐसी एक जगह है जहाँ मुझे जाना ही जाना है। I know that. बोलो, चलो। तीन guesses देता हूँ तुमको। तीन। ब्राज़ील। Yeah. ब्राजील तो एक बार बनता ही लाइफ में जाना है यार। ब्रो साथ में जाएंगे? ऑफ कोर्स हम साथ में जाएंगे। ब्राजील जाना है गाइस, ब्राजील तो जाना है, थोड़ा सांबा करूंगा वहां पे, सांबा। चलो अगला सवाल। सो आई वन दिस पॉइंट। हां चलो ठीक है, एक पॉइंट दिया तुम्हें। मोहसिन अगर तुम मुझे इतना ही जानते हो तो ये बात बताओ, मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? युवराज सिंह है तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर। श्रीसंत? नो, वो मेरे भाई है और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, बट
युवराज सिंह यार, तुमने धोनी को बोला था कि मुझे युवराज सिंह का ऑटोग्राफ चाहिए, तो युवराज सिंह बोला था क्योंकि उस समय उस दिन उस मैच में अच्छा इंडियन टीम, इंडियन टीम से है कि कोई दूसरी टीम से? ऑफ कोर्स इंडियन टीम से, यू नो मैं इंडिया और इंडियन टीम और इंडियन आर्मी, इंडियन हर चीज इंडियन से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, सो इट हैज टू बी इंडियन। इंडियन टीम से कौन हो सकता है? वैसे ही मुझे गिन चुन के सिर्फ 4-5 नाम मालूम है क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा क्रिकेट। आई ऑलवेज टेल यू, यू रिमेंबर मैंने बोला था, मैंने एक बार अपनी एक बहन के साथ झगड़ा भी किया था इस बारे में, अब तो याद होगा तुम्हें? नहीं मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अजय जडेजा इज माय फेवरेट, आई लव ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अजय जडेजा तुमको पसंद है इतना? हर चीज अगर सुनते तुम तो आज ये क्वेश्चन आंसर, तो जो चीज तुमने मुझे बताई नहीं वो चीज तुम मुझसे पूछ रहे हो। नहीं ये पॉइंट, ये बात सबको पता है कि मैं अजय जडेजा को बहुत पसंद करती हूँ। चलो ठीक है, वैसे मुझे लगता है हम एक दूसरे को तकरीबन थोड़ा बहुत तो जानते ही है। हाँ। तो गेम अभी थोड़ा ट्विस्ट हो गया, मैं इसको कुछ सवाल पूछूंगा इसके बारे में और ये मुझे कुछ सवाल पूछेगी मेरे बारे में, जो ये मेरे बारे में जानना चाहती है, और मैं इससे ये पूछूंगा जो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो ठीक है, अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ, मेरा सवाल आ रहा है तुम्हारे लिए। तो सवाल ये है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में कोई एक चीज बदलनी हो तो वो क्या बदलोगी तुम? वो तुम्हें भी पता है, पर मैं आई डोंट थिंक कैमरा में बोल सकती हूँ। ऐसा क्या है जो तुम कैमरा में नहीं बोल सकती? उसके अलावा यार, उसके अलावा तुम ये 24 घंटे फोन में रहते हो, वो आई डोंट लाइक इट। गाइस एक यूट्यूबर होने का यही है प्रॉब्लम, आप दिन भर लैपटॉप और फोन में रहते हो और अगर आप नहीं करोगे काम तो कैसे चलेगा? दैट्स माय वर्क बेबी, इट्स योर वर्क। उसके अलावा कुछ और? बाकी सब ठीक ठाक है ना, परफेक्ट है ना बाकी सब? ओके मोहसिन, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, मुझे अगर एक वर्ड में तुम्हें डिस्क्राइब करना है तो वो क्या होगा? पटाका ना? पटाका ही है वैसे मेरी बीवी, मतलब जहाँ जाती है फट जाती है, पटाका है वैसा नहीं यार, यार पटाका जहाँ जाती हूँ धमाल मचा देती हूँ। धमाल मचा देती हो, ठीक है। तो अगला सवाल मेरी तरफ से आ रहा है, तैयार रहो। हाँ, लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि तुमने सोने का नाटक किया, एक आर्ग्यूमेंट जब हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है और ऐसा आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं अवॉइड करने के लिए तुमने कभी ऐसा सोने की एक्टिंग की है? ऑफ कोर्स बहुत बार। क्या बात कर रहे हो, रियली? यस, नेक्स्ट टाइम गुस्सा देके उठाऊंगा। अब ये तो पता ही चलेगा कि मतलब वैसे तो नहीं, मैं वो तो ठीक है, मुझे काफी भी वोकल हूँ पर कभी कभी ही जस्ट फाइट लोकल हो जाती है कभी कभी, कभी कभी वैसे मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ, आई फाइट फॉर नो रीजन। यस ठीक है, चलो अगला सवाल पूछ लो। अब हम दोनों में मोहसिन बेटर डांसर कौन है? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? हाँ तुम हो अच्छी डांसर हो, अच्छी कोरियोग्राफर हो, लेकिन अपने दौर में मैं भी बहुत नाचा हूँ और ऐसा नाचा हूँ कि आखे मुंबई को हिलाया हूँ। आजकल नाचने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे करके दिखाओ। ऐसे 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 ये देखो। ऐसे ऐसे चलो ये ऐसे ऐसे मुझे नहीं करना है, मेरा ऐसा ऐसा वाला स्टेप है। तो बेटर डांसर कौन है? हाँ तुम हो, हाँ तुम बेटर डांसर हो, चलो ठीक है। और बेटर सिंगर? मैं हूँ। बेटर सिंगर तुम हो? हाँ। अच्छा डांसर भी तुम ही हो, बेटर सिंगर भी तुम ही हो, बेटर मैं ही हूँ, बेटर। चल चल नौटंकी। तो अगला सवाल मेरी तरफ से आ रहा है गाइस। तो मुझे ये बताओ, अगर लाइफ में तुम्हें एक मौका मिले पीछे जाने का और कुछ चेंज करने का अपनी लाइफ में, तो ऐसी क्या चीज है? कितना भी पीछे तुम, मतलब लाइफ में कितना भी पीछे जा सकते हो, एंड वो एक चीज क्या होगी जो तुम अपनी लाइफ में चेंज करोगे? इट्स अ लिटिल इमोशनल आंसर। आई वुड चेंज कि मेरी मम्मी कभी जाती नहीं और मेरे साथ ही रहती। देखो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लाइफ में हम सबको एक ना एक बार जाना है, but since you asked me the question, that's why I love you mom. मुझे मालूम है आपकी मम्मा अभी भी ऊपर है कहीं, and she's with God and she's happy about it. but चलो इसको इमोशनल नहीं करते, आगे बढ़ते। Come at me with your next question यार। Okay. चलो रेडी रेडी अगला सवाल पूछो। So Mohsin, tell me, who is better at keeping secrets? Yeah, definitely you, I think so. मेरा थोड़ा हिसाब है ऐसा कि मेरे पेट में अगर कोई बात चले जाए तो I try my best not to do it, but unknowingly कभी कभार हो जाता है, बट उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, वो हो जाता है। आई डोंट मीन, हाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि अरे तुमने मुझे कोई बात बताई तो मैं उसको बता दूंगा, नहीं वैसा नहीं है। देखा, अगली बार ऐसा कोई मत बोलना कि औरत
अपने पेट में कोई बात ऐसा नहीं कुछ नहीं है गाइस, इसका दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों के बहुत सीक्रेट्स मेरे पेट में है, मैं किसी को नहीं बताया आज तक। वैसे भी सीक्रेट नहीं रख सकता, तुम्हें लगता है ऐसा? ऑफ कोर्स। अभी अभी तुमने मेरा सीक्रेट खोल दिया है सबके सामने। चलो आगे बढ़ो, चलो बाय बाय। रेडी? ठीक है। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन सा तुम्हारा कोई एक हेयर कट होगा जो एक डिजास्टर था, जिसे आईने में देखकर तुम हर वक्त यही सोचती थी कि कौन सी अच्छा सॉरी सॉरी फिर से मैं अच्छे से फ्रेम करता हूँ सवाल को। तुम्हारी लाइफ का ऐसा कौन सा हेयर कट था जो एक डिजास्टर था और आईने में जब भी तुम अपने आप को देखती थी तो तुम्हें लगता था कि मैंने अपना क्या हशर बना रखा है? ऐसा नहीं था। मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी और मुझे चिकन पॉक्स हो गया था और मेरी मम्मी तब थी नहीं, वो नेपाल गई हुई थी। और बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ मेरी फैमिली वालों ने फॉरगेट इट मॉज़न, ये बहुत ही बकवास सवाल है। मेरे इतने लंबे बाल हुआ करते थे और बिकॉज ऑफ चिकन पॉक्स मेरे बाल में बहुत सारे जुए हो गए और मेरी माँ ने जब नेपाल से आई तो उन्होंने मेरे सारे बाल काट दिए और मुझे एक बॉयकट दे दिया और मैं बहुत रोई। आई रियली इमेजिन बॉयकट में तुम कैसी लगती होगी यार? फोटो वोटो है कि नहीं कुछ? नहीं, मैं फोटो जब मैं अपने आप को नहीं देख सकती थी फोटो क्यों खिंचवाऊंगी? अगर फोटोग्राफ होता तो जरूर पोस्ट करता मैं इस ब्लॉग में। पहले इतने कर दिए थे क्योंकि और तब मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था, यू नो लाइक हाउ अंजलि वाज फ्रॉम कुछ कुछ होता है, दैट इज लाइक वाओ सो क्यूट है अंजलि, एंड देन आई बिकेम अंजला। अंजलि नहीं मंचली हो तो मंचली। सो दैट वाज माय वर्स्ट हेयर कट एवर। अगला सवाल तुम्हारी तरफ से आना है। ओके मोहसिन, अभी मुझे एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम मेरे बारे में बदलना चाहोगे? बहुत सारी है वैसे तो। नहीं एक्चुअली दो आदतें समझ के जवाब देना। खोल दूं क्या बोल सारी? खोल दूं क्या? दो चीजें देखा पिक पिक कोई बात नहीं रहती इसके। दो चीजें हैं ऐसे वैसे तुम्हारे बारे में, इतना कोई खराब नहीं है, बट एक तो तुम्हारी आवाज जो बहुत हाई पिच है माशाल्लाह, दीवारों में मतलब क्रैक्स आ जाए। अच्छा, लेकिन एक सच बोलूंगा, लेकिन जब तुम घर नहीं होती और घर में इतना सन्नाटा होता है तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो दैट्स नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू चेंज। इसकी एक आदत है टिश्यू पेपर से खेलने की। और ये जहां भी जाए दुनिया में टिश्यू पेपर से खेलते रहेगी, और जहां अगर आप कहीं गए और अगर आपको लगा कि वहां नीचे टिश्यू पेपर गिरा हुआ है हर जगह, तो याद रखना रौनता was there, yeah, actually, मतलब यही है हकीकत। तो मेरे ख्याल से वो एक चीज है, आई डोंट रियली माइंड, बट दैट्स अ थिंग, बट दैट्स द ओनली थिंग इफ आई वुड वांट टू चेंज, मतलब जो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आई डोंट थिंक आई कैन एवर चेंज इट। Yeah, don't do it then. That's been with मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मतलब मैं तुम्हारी एक पोल खोल रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी एक पोल खोली इसीलिए। चलो अगला सवाल मेरी तरफ से आ रहा है, here we go. बोलो कि अगर तुम्हें कहीं से भी 1 करोड़ रुपए मिलते हैं तो तुम उन 1 करोड़ रुपयों का क्या करोगी? पहले तो मैं एक बॉम्बे में घर बुक करूंगी और थोड़ा बहुत चैरिटी करूंगी। बॉम्बे में घर भी बुक करोगी और चैरिटी भी करोगी? बुक करूंगी। अच्छा, बुक करूंगी, खरीदेगी नहीं, बुक करेगी सिर्फ, मतलब डाउन पेमेंट दूंगी, डाउन पेमेंट, और फिर थोड़े पैसे बैंक में जमा करूंगी और थोड़े पैसे जिन लोगों को पैसों की जरूरत है उन्हें दूंगी। तो 1 करोड़ रुपए में घर भी बुक करेगी, चैरिटी भी करेगी, थोड़ा बैंक में भी डालेगी और थोड़ा उन लोगों को भी मतलब देगी जिनको जरूरत है। मतलब उन लोगों को दूंगी, चैरिटी उन्हीं को दूंगी ना जिनको जरूरत है। मैं 1 करोड़ का कुछ 10% मैं चैरिटी को दूंगी। 1 करोड़ का मेरा अलग ही हिसाब है, किसी दिन बताऊंगा आराम से। नहीं। चलो आ जाओ अपने अगले सवाल को लेकर मैदान में। हो गया आपका हेयर स्टाइल चेंज? यस। ठीक है, अगला सवाल सोच लिया है? हाँ। तो शुरू करो। ओके। I forgot the question. ऐसी कौन सी चीज है जो हम दोनों को एक साथ करने में बहुत पसंद है? ये थोड़ा गलत था। मैं समझ गया हूँ तुम्हारा सवाल। जो हम दोनों को एक साथ करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो ठीक है, गलत बात समझो। बट ऐसी दो चीजें मुझे लगता है, एक तो नेटफ्लिक्स एंड चिल है, जो हम रोज रात को बैठते हैं और नेटफ्लिक्स देखते हैं और चिल करते हैं, और दूसरी चीज ये कि हमें खाने का बहुत शौक है, तो हम लोग दोनों इतने खाने के शौकीन है, हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का
लंच और रात का डिनर तीनों बाहर कर सकते हैं, हमेशा बाहर से खा सकते हैं, हमें खाने का बहुत शौक है, तो ये दो चीजें मुझे लगता है हम लोग दोनों कर सकते हैं हमेशा। जो लोग मुझे तब से जानते हैं जब मैं मौसिन मेरे लाइफ में नहीं था उन्हें पता ही होगा। वैसे जब ये मुझे मिली थी तो ये सिर्फ एक रोटी खाती थी, आधी 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 रोटी, अच्छा आधी रोटी खाती थी, चावल नहीं खाती थी, और मैं भी सिर्फ प्रोटीन खाता था, सिक्स पैक्स मेरे भी थे और ये मोहतरमा भी बहुत फिट थी। ये रहे हमारे जब भी मेट वाले फोटोग्राफ्स। ठीक है भाई, तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा हो गया। अब गेम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। हम खेलने वाले हैं रैपिड टैग राउंड। हम पांच पांच सवाल एक दूसरे से पूछेंगे अभी और देखते कौन कितना सही जवाब देता है और कितना जल्दी जवाब देता है। सो तुम पहले शुरू करना चाहोगे कि मैं पहले सवाल पूछूं? पहले तुम, ताकि मुझे पता होगा कि मैं जीतूंगी कि नहीं। चलो ठीक है, तो सवाल मैं शुरू करता हूँ एंड हियर वी गो। तो पहला सवाल है गाइस, व्हाट्स माय फेवरेट सैंडविच? क्लब सैंडविच। रॉन्ग। ग्रिल चीज। चलो ग्रिल चीज देता हूँ तुम्हें। माय शू साइज? 9। नो। 9.5। नो। 8.5। ओके, बट 3 ट्राइज लिए तुमने। माय मोस्ट एंबैरेसिंग मोमेंट? आई डोंट नो। माय फेवरेट कलर? रेड। माय फेवरेट केक और पेस्ट्री फ्लेवर? चॉकलेट ट्रफल। ट्रफल। गुड जॉब, बच्ची काफी जानती है मेरे बारे में। चलो अब तुम्हें मौका देता हूँ मैं सवाल पूछने का, और मैं भी तो देख लूँ कि मैं तुम्हें कितना जानता हूँ। बहुत धुलाई होने वाली है अभी। ओके मोहसिन, हियर यू गो, दिस इज योर रैपिड फायर। ओके, लेट्स गो। लेट्स टर्न ऑन द रैपिड फायर लाइट्स। हमारे पास है नहीं, बट रैपिड फायर लाइट्स नहीं है, करण जौहर की तरह बटन लेंगे एसी में। यस। हु इज माय बेस्ट फ्रेंड? अंकिता। माय मोस्ट फेवरेट डिश? गो। माय फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश? शाहिद कपूर। What would I choose, movie or long drive? Movie. My favorite city in the world? Prague. Gone. Got it. Yeah, but you were done. Then it is. अभी दिमाग को सोचने में इतना टाइम तो लगता है। तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, and you have to accept it and agree to it. चलो ठीक है, ऐसे बहुत से instances हैं जहाँ इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता और ये मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा कुछ नहीं? क्या मतलब अपनी पटेली? ऐसा कौन सा सवाल है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती? वो तो आप लोग देख कर ही बताना कि ऐसे कौन से सवाल थे और कौन विनर है, लेकिन किसने ज्यादा सही जवाब। हमेशा ही ऐसे पुल करता है मेरा बाल। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे के लाइफ के विनर है, बट प्लीज लेट अस नो कि इसने सही ज्यादा सवाल के जवाब दिए कि मैंने ज्यादा सही क्या मैंने ज्यादा सही जवाब दिए, इसने सही जवाब दिए। तो मिलते हैं अगले वीकेंड गाइस, वापस से कोई धमाल लेके आऊंगा आपके लिए। टिल देन सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको मजा आया तो लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। कमेंट सेक्शन खाली है, प्लीज जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन है असली विनर। सी यू नेक्स्ट वीक, एंड ये सब इशारों में मत जाओ, बहुत चापलूस है। चलो सी यू गाइस, अस्ता ला विस्ता, टेक केयर। चापलूस कट, अच्छा वो कट है, वो एडिट है। तो सी यू गाइस, मिलते हैं अगले हफ्ते, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड, मजा आया आप लोगों को। अगले हफ्ते कुछ नया धमाका नया धमाल लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले थर्सडे की सुबह। टिल देन खुदा हाफिज, बाय।